नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस अब तेजी से भारत में पैर पसारने लगा है और इसका असर भी तेजी से फैलने लगा है। भारत में कोरोना के मामले अब इतने ज्यादा बढ़ गए कि इस वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 3 पहुंच गई। तीसरी मौत मुंबई में हुई, साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 132 तक पहुंच गई। मुंबई से पहले जो मौतें हुई थी उनमें एक मौत दिल्ली में हुई और एक मौत कर्नाटक में। मुंबई में जिस शख्स की मौत हुई है उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 64 साल के थे और दुबई से लौटे थे, जिसके बाद से मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें हिंदुजा से कस्तूरबा अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था। खबर ये भी है कि मृतक की पत्नी और बेटे की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 39 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली NCR में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नोएडा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से भारत में इसके मरीजों की संख्या 132 हो गई। खबर है कि नोएडा के सेक्टर 78 और सेक्टर 100 में 2 मामलों की पुष्टि हुई। बताया ये भी जा रहा है कि जिन 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है वो दोनों फ्रांस से लौटे थे। सिर्फ भारत भर की ही बात नहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव करने वाले शीर्ष धार्मिक संगठन के 78 वर्षीय सदस्य की भी कोरोना वायरस से मौत हो गई। इसी तरह से दुनिया के कई बड़े नेता और बिजनेसमैन हैं जो इस चपेट में आ चुके हैं। हालांकि भारत में इसे लेकर सतर्कता काफी बरती जा रही और इसी दौरान एहतियाती तौर पर भारतीयों समेत यूरोपीय देशों से आने वाले लोगों पर रोक लगाई गई। इसके अलावा UK और टर्की से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी गई, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। इसी तरह से कई ऐसे स्थानों को बंद कर दिया गया है जहां लोगों की भीड़ जुटती, क्योंकि कोरोना को हराना है तो सावधानी सबसे पहले बरतनी होगी।